दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इंडियन आर्मी सैन्य ताकत में अब किसी से भी पीछे नहीं है और गुजरते वक्त के साथ आर्मी और मजबूत होती जा रही है। तो फिर अब चीन हो या पाकिस्तान, भारत सीमा पार से होने वाली हर आतंकी गतिविधि का सामना करने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि चीन से सटी सीमा पर हालात स्थिर है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। सेना दिवस से पहले दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में जनरल पांडे ने यह भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनात सैनिक विरोधी के किसी भी नापाक मंसूबे को दृढ़ता से नाकाम करने के लिए मजबूत स्थिति बनाए रखने में सफल रहे हैं। थल सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि LAC पर भारतीय सेना की तैयारी का स्तर उच्च है और किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त बल तैनात किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात स्थिर और नियंत्रण में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप चीन के साथ जारी वार्ता से अवगत हैं, जहां हम 7 में से 5 मुद्दों को हल करने में सफल भी रहे हैं और हम राजनयिक एवं सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। जनरल पांडे ने आगे कहा, हम एक बहुत मजबूत रक्षात्मक स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहे हैं और अपने विरोधी द्वारा यथास्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने के लिए भी प्रयास को मजबूती तथा दृढ़ता तरीके से रोकने में सक्षम रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 32 महीने से जारी सैन्य गतिरोध के बीच उनकी ये टिप्पणी आई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यंगसे में LAC पर 9 दिसंबर को दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत तथा चीन के बीच तनाव में और वृद्धि हो गई थी। इसके बाद जनरल पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर चीनी पक्ष की ओर से सैनिकों की तैनाती उसी तरह से जारी है और क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की संख्या भी उसी तरह है। उन्होंने कहा कि हमारी पूर्वी कमान के सामने सैनिकों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, हम इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में LAC की सुरक्षा का दायित्व इसकी कमान पर है। डोकलाम की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जनरल पांडे ने कहा कि क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में हालात का जिक्र करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि फरवरी 2021 में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति पर अमल भी जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी ढांचे को सीमा पार से समर्थन अब भी बरकरार है। पूर्वोत्तर की स्थिति पर जनरल पांडे ने कहा कि क्षेत्र के अधिकतर राज्यों में शांति लौट आई है। थल सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि महिला कर्मियों को सेना की आर्टिलरी इकाइयों में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और उम्मीद है कि इसे स्वीकार भी कर लिया जाएगा। जनरल पांडे ने आगे कहा कि सेना ने फैसला किया है कि 2023 परिवर्तन का वर्ष होगा और बल ने कुछ ठोस परिणामों के लिए एक विशिष्ट रोड मैप तैयार किया है और ये प्रक्रिया चालू वर्ष से परे जारी रहेगी।